Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. शहबाज शरीफ जो केस संजीदा है, केस जेल वञणो पवंदो। नवाज शरीफ की मेडिकल की रिपोर्ट से थोड़ो घणो रेगमाल हयो वियो आहे। वफाकी वजीर शेख रशीद जो चवण है तो शहबाज शरीफ मफामती किरदार चाहे तो, पर वजीर आजम इमरान खान के मफामती किरदार में दिलचस्पी ना है। खंड स्कैंडल में मुलविस समूरा जवाबदार जेल वेंदा। अटे स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सुभाणे वफाकी काबीना के इजलास में फराहम कई वेंदी, जैसे फैसलो कयो वेंदो। ऑपोजिशन में एडी ताकत ना है जो वजीर आजम इमरान खान के कुछ करे सके। जैसे पोयां पुलिस हुए वो सियासी लीडर किए तो थी सके। शेख रशीद जो चवण हो तो स्टील मिल से मुलाजमन के हटाने जो हतमी फैसलो ना है थियो, सुप्रीम कोर्ट जेको हुकुम नींदी उन ते अमल कर। सिंध सरकार सैनिटरी वर्कर्स के पघारों और हिफाजती किट्स मुहैया करण की खातरी कराई छी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के मुंह डण लाए इंतजाम बाबत अग भराई रिपोर्ट पेश कंदे सिंध सरकार जो चवण है तो वे वजीर मुराद अली शाह सैनिटरी वर्कर्स के पघारों डण लाए 140 मिलियन की मंजूरी दई छी है। कोरोना वबा में वाद बावजूद असरायते कदम के नतीजे में मरीजन की सेहत में बेहतरी आई है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ लाए हेल्थ रिस्क अलाउंस भी मंजूर कर 1500 डॉक्टर्स 2382 नर्सेस के भर्ती करने की दावा। सिंध में कोरोना वायरस का वार जारी। हैदराबाद सिविल अस्पताल में कोरोना की एक मरीज औरत फौत। मलीर में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर रुबीना जी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की रिपोर्ट अची वही। सेवण में वधिक 5 केस जाहिर। शहबाज कॉलोनी केयर कॉलोनी और खोसा पाड़े के सील कर वो। जैकबाद में 27 नवा केस जाहिर। गढ़ी खैरों में 17। गंबट में गिम्स अस्पताल के दिल वाले वार्ड में लेडी डॉक्टर समेत 7 जणन की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव अची वही। आईसीयू वार्ड सील। इंतजामिया जो चवण है तो कोरोना वायरस सबब ऑपरेशन भी मुलतवी किया गया है। कोरोना सेंट्रल जेल का पोए नैब हेडक्वार्टर सखर में दाखिल। नैब के वधिक 3 मुलाजमन के कोरोना वायरस होने की तस्दीक। बिन असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 22 मुलाजिम कोरोना में मुब्तला थी चुका। नैब जरिए जो चवण है तो पॉजिटिव आयल समूरन माणुन के घर में ही आइसोलेट किया वो है। आईटी ब्रांच जो एक मुलाजिम भी कोरोना वायरस में वठजी वो। तस्दीक थियल मरीजन के घर भातिन की भी कोरोना टेस्ट कराई वी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 97 शहर का हयातियों खसे वरतियों। 24 कलाक दौरान 4734 नवा केस रिपोर्ट थे। मुतासर जो अगु 93,983 थी वो। सिंध में 34,889, पंजाब में 35,308, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलूचिस्तान में 5,776, इस्लामाबाद में 4,323, गिलगित बल्तिस्तान में 897, आज़ाद कश्मीर में 331 शहरी वायरस में वठजी वया। आलमी वबा सबब हेल तई 1,935 शहरी फौत। 32,581 मरीज कोरोना वायरस के शिकस्त दई सेहतयाब थे। मुस्लिम लीग नून वजीर आजम के तर्जुमान शहबाज गिल और फ्याजुल हसन चौहान खां माफी के मुतालबे वो ठहराव जमा कराए वरतो। ठहराव मुस्लिम लीग नून की मेंबर समीरा कोमल जमा करायो। ठहराव के मतन में चो है तो ऐवान शहबाज गिल पारा सहाफिन से बदतमीजी की मुजम्मत करे तो। फ्याजुल हसन चौहान तरफा एक सहाफी के वालिद मथा लगायल इल्जाम की भी सख्त लफ्जन में मुजम्मत। कराची की बिन वन अस्पतालों में कोरोना मरीजन लाए गुंजाइश खत्म थी वही। सेहत खाते जो चवण है तो इंडस हॉस्पिटल और दाव अस्पताल में कोरोना के वधिक मरीजन के दाखिल नथो करे सकजे। बिन्हीं अस्पतालों में कोरोना मरीजन लाए गुंजाइश खत्म थी वही। अस्पतालों में मरीजन लाए गुंजाइश जो सिलसिलो हर कलाक में तब्दील थींदो आहे। गढ़ी तेगो में फनकार जिगर जलाल की बाजियाबी दौरान शहीद थियल इंस्पेक्टर राव शफीउल्ला के पुट तेगो खान तेगानी के अमन अवार्ड मिलने खिलाफ आला अदालतों से राबतो करे वरतो।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री और सिंध हाई कोर्ट में मामले खिलाफ नोटिस वठण लाए अपील दाखिल। दरख्वास्त गुजार राव शफी रमजान मौकिफ़ इख्तियार किया है तो संदस वालिद के कत्ल केस में नामजद जवाबदारन के तेगो खान तेगाणी पनाह दिनी हुई। PPMPA इम्तियाज़ शेख जी भी खेस पुठ भराई हासिल है। SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में भी दुहारी करार दियण बावजूद पुलिस तरफा तेगो खान तेगाणी के अमन जो अवार्ड दिनों वो। शहीद राव शफीउल्लाह के पुट तरफा सुप्रीम कोर्ट का मामले ते पाण मुरादो नोटिस वठण की इस्तदा कई वही। I was raped by the former interior minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then interior minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the federal health minister Makhdoom Shoubadin and the prime minister Yousuf Gilani while he was staying at the president's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate neutral investigative journalists. I have already पाकिस्तान में रहंदड़ अमरीकी औरत सिंथिया रिची तरफा पीपी कयादत मथा संगीन नौय जा इल्ज़ाम। सिथिया रिची संगीन इल्ज़ाम मणिंदे है तो PTI कारकुनन के चई छो हो तो खेस अकेलो छो वे पेंो केस वेहण लाइ तैयार है। सैनेटर रहमान मलिक के तर्जुमान इल्ज़ाम के रद्द कदे है तो अमरीकी औरत जहा इल्ज़ाम बदनीयती बधल हैं जैंजो मकसद रहमान मलिक की साख के नुकसान पहुँचाण है। अमरीकी औरत ये इल्ज़ाम कें फर्द या टोले के भड़कण से लगया। रहमान मलिक के इल्ज़ाम उन वक्त सामू आया जैसे उन घरू मामलन वाली कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से शहीद बेनजी भुट्टो ते लगल इल्जाम जो नोटिस वरतो। सिंध सूदो समूरे मुल्क में हफ्तेवार सख्त लॉकडाउन जो पेरों ढी कराची हैदराबाद सखर लाड़कानो मीरपुर खास नवाबशाह ए बन शहर में पुलिस खुलल दुकान में बंद कराए छड़ा। सांगड़ दादू शिकारपुर मदेजी कोट गुलाम मोहम्मद थारू शाह कुंदरी जाति काजी अहमद कादरपुर खरड़ो मिठियाणी ए बन शहर में भी नंढो वो कारोबार बंद। मुख्तलिफ़ शहर में पुलिस जो गश्त बधाए वो ट्रांसपोर्ट भी बंद। सिंध हुकूमत जो SOPs की भनकड़ी कदड़ इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टर्स खिलाफ कार्रवाइयों तेज। 80 ड्राइवर्स गिरफ्तार। कारकर्दगी न डेखारण से 6 रीजनल सेक्रेटरी के भी शोकॉज जारी। सूबाई वजीर उवैस शाह जो चवणा है तो ड्राइवर ए मुसाफिर सफर दौरान मास्क लाजमी पायन। मास्क न पायण की सूरत में एक्शन खो वो। SOPs ए पाबंदी की भनकड़ी कदड़ मुसाफिर गाड़ियों हलायण से 21 केस दाखिल किया व्या। कराची में SOPs से अमल न कदड़ 80 ड्राइवर के गिरफ्तार कर चालान कर 32 मुसाफिर वैन्स कोचेस और बसियों थानन ते बिहारी हुई हैं। सिंध सरकार जो अहम फैसलो यूनियन काउंसिलन यूनियन कमेटिन के रिटायर्ड मुलाजमन के अदायगियों जिले काउंसिल अदा कंदी। मकानी इदारन वाले खाते 10 नवंबर 2017 से जारी कल नोटिफिकेशन में तरमीम कर छी। नोटिफिकेशन मौजिब यूनियन काउंसिल या यूनियन कमेटी के रिटायर्ड थन्दड़ मुलाजम के पेंशन ग्रेजुटी ए म्यू अदायगियों लाग्यापिल जिले काउंसिल या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरफा अदा कई वेंदी। मुलाजमन ड्यूटी दौरान फौत थो तो उनकी अदायगी भी जिले काउंसिल या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंदी। मीरपुर माथेली की दहशतगर्दी टोल अदालत मेहड़ में कत्ल थियल मुख्तियार चांडियो काबिल चांडियो ए करमुल्ला चांडियो के केसिस में PPMPA बुरहान खान चांडियो ए सरदार खान चांडियो जा नाला खारिज करण से धुरन जा दलील मुकम्मल। अदालत फैसलो महफूज कर छो। फैसलो 20 जून से बुधाया वो। मुल्क में पेट्रोल सस्तो थियण सिंध के अवाम लाए आजार बणजी वो। कराची हैदराबाद सखर नवाबशाह समेत सिंध के अक्सर शहर में पेट्रोल पंप्स बंद। खुलल पेट्रोल पंप्स से गाड़ियों जो कतारू लगल। 3 डीन गुजरण बावजूद भी हुकूमत बंद पयल पेट्रोल पंप्स न खोल रहा सकी। शहर जो पेट्रोल नायाब थियण ए महंगाई खिलाफ दाहूँ जाम शोरू में पेट्रोल पंप्स मालकन जो चवण है तो 1 जून का पेट्रोल जो मसलो है। असंख्य कंपनियों का ही पेट्रोल न तो मिले। ऑर्डर थियल पैसा भी दिनल कोई भी कंपनियों पेट्रोल मुहैया न पन। आवाम समझे तो अस पेट्रोल मौजूद है पर विक्रो न पाया क्या।
ठठे के इलाके झिरक भरसा शादी की तकरीब में आयल सतन बारन के सिंधु में बुड़ी फौत थे वाले वाक़े के इलाके में सोग की लहर छायल फौती बारन के वारसन से ताजियत सिलसिलो जारी वड़े वजीर सिंध की हिदायतों बावजूद डीसी ठठो या कमिश्नर हैदराबाद सूदो को भी सरकारी अमलदार मुतासर वट लड़ी ना आयो इलाके वासन इंतजामिया की बेहसियत कावड़ इजहार कदे है तो खेन एम्बुलेंस भी मुहैया न कई वही मासूम बारन जा लाश एक ही सुजुकी में रखी अस्पताल नया वह कंदकोट भरसा जमीनी तकरार तां चाचे सोटन हथा कतुल थियल टिन भाइरन जा लाश जनाजे नमाज बाद दफनाया व्या एक ही वक्त टिन भातन जा लाश खजण ते घर में मातम भरपा बी सेक्शन थाणी जी पुलिस अब्दुल वहीद कासिम जाहिद सब्जोई जे कतुल जो केस दाखिल न कयो पुलिस तरफा जवाबदार धुर जे घर खाली करण खां पोए गिरफ्तारन लाए छापा हण जी दावा सिंध में माकड़ जी तबाहकार जारी केतर ही शहर में माकड़ जा कटक लथल वोण कमंद बो फसल खाई चट कर छो आबादगार बारन से गड माकड़ के भजाने में रुधल सदन समूरियों कोशिशों नाकाम थी व्यू मुख्तलिफ इलाक में माकड़ जो मार स्प्रे भी न कराया वो डहर की में निजी बैंक के एटीएम मशीन में 73,75,000 रुपया की चोरी बैंक इंतजामिया चयन जवाबदार खिलाफ चोरी जो केस दाखिल कराए वरतो इंतजामिया जो चवण है ईद ते एटीएम मशीन में 1 करोड़ रुपया रखा व्या हुआ सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस हवाले पुलिस जो चवण है इंतजामिया जिन ते शक जाहिर किया है उन्हें नाला केस में शामिल किया व्या वाक़े की जाँच जारी है धाबे की लघु सामुंडी वीरुन में चाड़ केतरा ही गोठ वीरुन के वर चढ़ी वया मीरपुर साकरो लघु गोठ मोहम्मद आरिफ जत ए अली मोहम्मद जत के समुंड का बचाव लाए दिनल बचाव बंद के 50 फुट घारो पैजी वयो समुंड जो खाड़ो पानी फसलन में दाखिल इतला बावजूद इंतजामिया न पहुंची सकी गोठाणा पैंजी मदद पान तहत घारे के बधण में रुधल हाला वेझो औरतानी आवाज से हिरक जी सईदाबाद वासी नौजवान मुबैना तौर अगवा वारसन पुलिस के इतला दई छो वारसन जो चवण है तो नौजवान अब्दुल वहीद कोरी जो मोबाइल नंबर भी बंद मिली रो है खेस अगवा किया वो है बाजियाबी लाए पुलिस तहरुक वे सिंध में रोलू ए छतन कुतन जो आजार न घटो उमरकोट में 10 जणा रोलू कुतन जो शिकार थी वया जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल फैजगंज में रोलू कुतन एक औरत समेत 6 जणन के ढाढ़े जख्मी कर विधो थरी मीरवा में बारन समेत 6 जणन के रोलू कुतन ढाढ़े जख्मी कयो तंगवाणी में छतन ए रोलू कुतन 5 शहरन के ढाढ़े जख्मी कयो अस्पताल मुंतकिल सिंध में गैस्ट्रो वबा भी काबू का बाहर मीरपुर खास में गैस्ट्रो वेघे बिन औरतुन समेत 5 जणा अस्पताल भीड़ा टंडो बागो में गर्मी के करे वधिक 8 जणा गैस्ट्रो वेघे अस्पताल दाखिल लाड़काने अस्पताल में 10 औरतुन समेत वधिक 10 मरीजन के दाखिल किया वो डॉक्टर्स जो चवण है तो असांजी कोशिश है तो मरीजन के बेहतर इलाज फराहम करें गैस्ट्रो ते जाब्तो आने सिंध सूदो मुल्क के अक्सर शहर में गजगोड़ से वसकारो सरहद कादरपुर समेत बेन केतर शहर में बरसात का पोए मौसम खुशगवार गर्मी जो जोर टुटी वो नगर पारकर डाहली में वसकारे का पोए मारूड़न के चेहरन ते मुर्कू मोटी आयू मिट्टी के तूफान सबब केतर शहर में घर ए दुकान जो छितियों उडामी व्यू लाहौर गुजरात गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाक में भी बरसात